प्रकाशों बादल के संबंध में जैतों का मोर्चा जो चल रहा वड वडेरिया वालों जो खूह च जहर पाया गया वह भी इन्होंने जुम्मे लगता है वो तो असं अपनी अखों नहीं वेख्या पर 1978 जो नरकधारियों के कोलों इन्होंने सिंघां दे कतल कराए ते उस दोषी नूं हरियाणे दे विच भेजिया ते परी कराया ते कोई गल नहीं असीं अज इह हर तरह का इंसाफ लैण लई अपना इतिहास बचाउण लई गुरु की गोद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जी जे अज असीं बादलों तो कब्जा मुक्त करा जाइए ते तुहाडे सारे मसले जड़े ने वो हल होणगे लोकां ते असीं इह इतराज करदे आ कि इन्हां ने इंसाफ नहीं पाया असीं उन्हां लोकां तों इंसाफ मंगदे आ जिन्हां लोकां ने गुरु साहिबां नूं चोर डाकू कातल नौकरानी दे पेटों बच्चे जम्मण वाले गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं आत्महत्या करने वाला दस के किताबां लिखातियां जिन्हां लोकां ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की गुरियाई नूं रद्द करके देहधारी गुरु नूं मानता दित्ती गई साल 2000 दे विच श्री गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी श्री अमृतसर दे विच उत्थे सतगुरु राम सिंह चेयर स्टार्ट कीती आ और उन्हां नूं जिहड़ा श्रोमणी कमेटी वल्लों उत्थे कैंप लाउण दी इजाजत दित्ती गई उन्हां कोल आस रखदे आ जुगो जुगा अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी विच एक साल तों संघर्ष कर रहे जो दे सब तो पहला बुलाओ फतेह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह कौमी इंसाफ मोर्चे वालों बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते जो संघर्ष चल रहा है इनू एक साल हो गया और इस एक साल दे विच बहुत उतरा चढ़ा बहुत कुछ होया है मैं एक बेनती करनी चाहना है कि बहुत बुलारे जड़े ने आपो अपने विचार रखते ने दास की एक बेनती है कि जिस तरह हुण भाई गुरदेव सिंह कौंके कार्यकारी जथेदार श्री अकाल तख्त साहब की जो शहादत हुई उहदे ते बहुत विचारां हो रही ने सोशल मीडिया ते की अखबारां च की राजनीतिक जा धार्मिक जथेबंदियां उत्ते बहुत विचारा कर रही हैं और सारे ये गल कह रहे ने कि इहदा जिहड़ा भाई गुरदेव सिंह कौंके जी का जिहड़ा कतल होया उहदा दोषी जिहड़ा असल बादल है मैं एक बेनती करनी चाहुंदा आप जीआं दे चरणां विच सानूं विचारन दी लोड़ है कि प्रकाशों बादल दे संबंध विच जैतों का मोर्चा जो चल रहा सी इहदे वड वडेरियां वालों जो खूहां च जहर पाया गया वह भी इन्हां दे जुम्मे लगता है वह तो असीं अपनी अखां नाल नहीं वेख्या पर 1978 जो नरकधारियों के कोलों इन्होंने सिंघां दे कतल कराए तो उस दोषी नूं हरियाणे दे विच भेजिया तो बरी कराया तो कोई गल नहीं उस तो बाद जो 1982 च धर्म युद्ध मोर्चा लग्या और उस मोर्चे की बदौलत जो संघर्ष चल रहा सी वह चलदे संघर्ष विच सरकार ते दबाव पाउण लई 1,42,000 दे करीब श्री अकाल तख्त साहब तो लोगों तो प्रण पत्र भराए गए भरवाए गए कि जेकर श्री अकाल तख्त साहब ते टैंकां ते तोपां नाल भारत सरकार ने हमला किया तो असीं आपे मार देंगे वह भी हो गया तो करवाया किने बादल ने उस तो बाद अज तक सरकार विच रहिंदे आ जां सरकार तो बाहर रह के पुलिस दे राही सरकारां जवाब पा के जो नौजवानी का कतलेआम कराया वह साडे सब दे सामने आ
ते आम तौर ते एक गल की जाती है कि इन्हां लोकां ने इंसाफ दवाउणा सी, पर मैं तुहाडे समुची संगत दे चरणां च बेनती रूप च एक सवाल करदा कि जिन्हां लोकां ते असीं इह इतराज करदे आ कि इन्हां ने इंसाफ नहीं दवाया, असीं उन्हां लोकां तों इंसाफ मंगदे आ जिन्हां लोकां ने गुरु साहिबां नूं चोर डाकू कातल नौकरानी दे पेटों बच्चे जम्मण वाले गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं आत्महत्या करने वाला दस के किताबां लिखातियां, जिन्हां लोकां ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की गुरियाई नूं रद्द करके देहधारी गुरु नूं मानता दिती गई, जो कि साल 2000 दे विच श्री गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी श्री अमृतसर दे विच उत्थे सतगुरु राम सिंह चेयर स्थापित कीती आ, और उन्हां नूं जिहड़ा श्रोमणी कमेटी वल्लों उत्थे कैंप लाउण दी इजाजत दित्ती गई, उन्हां कोलों आस रखदे आ। इह साडी इक मैं समझदा है कि बहुत ही छोटी सोच है, सानूं उत्ते इतराज नहीं करना चाहीदा। साडा फर्ज की है, साडी जिम्मेवारी की है, जिस तरह के आप जी नूं पता है कि साडे वल्लों जिहड़ा है एक प्रोग्राम लिखा गया कि आने वाले समय च इहदा जिहड़ा हल है, जो श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पंच प्रधानी चलाई, पंच प्रथा चलाई पंजां दी, उहनूं कायम करन लई जो कि वक्क वक्क कमेटियां चल रही ने। अज की मीटिंग च मैं लेट सा क्योंकि लुधियाने प्रोग्राम सी, ते साडे जिहड़े आगू साहिबान ने वह बैठे ने, बाजवा साहब बैठे ने, जो कि भाई अमरीक सिंह जी, भाई बलकार सिंह जी सारे बैठे ने, भाई लखविंदर सिंह जी बैठे आ। सो मेरी बेनती है कि सानू जेड़े लोग अज तक जेड़ियां जथेबंदियां तक असी पहुंच नहीं कीती, साडा इको एक फर्ज बनता है कि असी अज यह हर तरह का इंसाफ लैण लई अपना इतिहास बचाउण लई गुरु कीआं गोका श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी आ, जे अज असी उहनूं इह बादलां तों कब्जा मुक्त करा जाइए ते तुहाडे सारे मसले जिहड़े ने उह हल होणगे। सो इत्थे विस्तार नाल बाजवा साहिब वी गल करनगे, ते मेरी बेनती है कि आओ असी आउण वाले समय च जो गुरु महाराज ने यह पंच प्रधानी की प्रथा चलाई सी उहनूं कामयाब करन लई, जिस तरह के अज वी इत्थे हो रही सर, 19 तरीक नूं अमृतसर दे विच मीटिंग है, उस मीटिंग दे विच वी अगलियां मीटिंगां दा जो कि बाजवा साहब होरां नूं इन्हां सारिआं नूं पता है यह गल करनगे। मेरी बेनती एक मैं होर तुहाडे नाल करनी सांझी, इत्थे गल चली है किसान जथेबंदियां दी वी चलदी आ, और किसान जथेबंदियां दास उहनां किसान जथेबंदियां चों ही आ। कल साडी बरनाले मीटिंग होई आ, रैली होई आ बहुत वड्डी, इस तों पहलां जंडियाला गुरु वी हो चुकी है, अगला प्रोग्राम जिहड़ा 13 फरवरी दा दित्ता जा चुका है, जो पहला उत्ते 13 महीने संघर्ष चलिया वह निहंग सिंह जथेबंदियां, बाबा राज सिंह जी बैठे ने जिहड़े कि सारे तों अगे बाकी भी निहंग सिंह जथेबंदियां, वह समुचे पंजाब दीआं समुचियां धार्मिक जथेबंदियां, पूरे भारत दीआं किसान जथेबंदियां, हर धर्म दे लोकां ने और पूरे संसार दे लोकां ने उच सहयोग दिता कि उह 3 काले कानून रद्द हो गए। लेकिन जो अजे बाकी मंगा ने, जिस तरह के जिहड़ा हैगा MSP जां लखीरपुर लखीरी दे जिहड़े दोषी ने उहनां नूं सजावां दवाउण लई ते पीड़ितां नूं इंसाफ दवाउण लई उहदे संबंध विच अते कर्जा मुक्त कराउण लई, जिहड़ा कि अज किसान क्योंकि असीं गुरु नानक पातशाह दे वारस हां, गुरु नानक पातशाह ने जिथे सानूं अध्यात्मक तौर दे उत्ते सानूं गुरबाणी दे नाल जोड़िया, अकाल पुरख दे नाल जोड़िया सानूं, उहदे नाल उहनां खेती भी कीती है, और उस खेती नूं बचाउण वास्ते तुसां बहुत वड्डा संघर्ष कीता, पर साडे विच्चों कुछ लोकां ने राजनीति दे चक्कर व्यूह च फस के ते उह मंगां जिहड़ियां रहि गईआं, जिस करके 13 फरवरी नूं दुबारा जिहड़ा उह मोर्चा जिहड़ा फिर उत्थे शुरू होण जा रिहा। सो मेरी बेनती है कि असीं तुहाडे नाल वादा करदे हां, इक तुहानूं गल दसनी चाहुंदा है कि साडी किसान यूनियन दी पूरे भारतीयां दी मीटिंग चल रही सी, उस मीटिंग दे विच मेरे वल्लों एजेंडा लवाया गया
आ बैठे ने कुलविंदर सिंह होरी एजेंडा लवाया कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं असीं आजाद करवाउणा चाहुंदे आ। यह ठीक है कि किसान जथेबंदियां कोई राजनीतिक तौर ते इलैक्शन नहीं लड़न गया, पर जिहड़ी श्रोमणी कमेटी की इलैक्शन है इहदे विच सहयोग देना ते उत्थे मता पवा के एजेंडा लवा के मता पवाया गया। वह किसान जथेबंदियां जिहड़ियां कि गैर राजनीतिक हुण साडा बहुत वड्डा काफला हो गया, यह तुहानूं विश्वास दिवाउंदे आ कि श्रोमणी कमेटी के संबंध में दास उत्थे बैठा हर तरह नाल उन्हें गल करांगे। तो मैं बेनती है कि एक तो जिहड़ी ये पंच प्रथा कायम करने वास्ते प्रोग्राम चल रहा है इहदे विच असीं तुहाडे नाल हां, ते इहदे नाल नाल जिहड़ियां किसान यूनियन दीआं मीटिंगां ने वह भी दास ने अटेंड करनियां ने, जिथे हुक्म करोगे नाल है। तो किसान जथेबंदियों के बंदी सिंघां की रिहाई यह समुचे मसले कौमी हल कराउण वास्ते असीं सारे अज इकट्ठे होण की लोड़ है। मैं बेनती करांगा कि जिहड़ियां किसान जथेबंदियां ने जिथे मैं गल करदा ते मैं तुहानूं भी फरान साहब भाई बलकार सिंह होरी जिन्हें भी इत्थे बैठे ने बाजवा साहब बैठे ने सारयां नूं बेनती है कि आपां किसे दिन प्रोग्राम बना के जिस दिन साडी कोई मीटिंग हुंदी है उस मीटिंग दे विच जिहड़ा उह तुसीं भी उत्थे पहुंच करो। दास तुहानूं इत्थे बेनती कर रही है कि नाल जिस तरह के यह मोर्चे नूं साल हो गया मोर्चा लाउण तों पहलां आ बाबा जी बैठे हजूर साहब वाले करनाल दे विच असीं रात दिन उत्थे पूरा जिहड़ा असीं लोकां नूं जागृत करन वास्ते सहयोग दित्ता। अगे भी इसे तरह असीं कल्ली बंदी सिंघां दी रिहाई नहीं समुचे तौर ते रिहाई चाहुंदे आ। अरे जिन्हें भी कौमी साडे मसले ने इतिहास उत्ते ते जिहड़े लोकां ने किताबां दे विच पंजाब स्कूल सिक्ख्या विभाग राही श्रोमणी कमेटी राही गुरु साहिबां नूं चोर डाकू कातल कह किताबां लिखियां उन्हां नूं कटहरे च खड़ा करवाउणा है। और जिहड़े टम्मी गुरु जिहड़े अज गुरु ग्रंथ साहिब दी गुराई नूं रद्द करके वह अपना गुरुधाम चला रहे ने उन्हां नूं भी कटहरे च खड़ा करवाउणा है। वह तां ही होगा। मेरी इको एक बेनती है गुरु चरणां च तुहाडे सामने एक तुहाडे नाल बाजवा साहब एक भरोसा दिवाउणा है। मैं पहला भी बड़ी कोशिश की है तो हुण भी किते भी कोई अहुदा नहीं किते भी कोई मैमरी नहीं कोई इलैक्शन नहीं, पर आओ आपां सारे आपो अपनी होमे नूं छड्ड के ते एक प्लेटफार्म ते इकट्ठे हो जाइए। जे असीं अज इकट्ठे हो जाइए आ मेरी छोटी भैण सुरेंद्र कौर जो कि लगातार मोर्चे ते इत्थे बैठी आ बाकी भैणां भी इत्थे बैठियां अज भी असीं लुधियाने पहला प्रोग्राम से उत्थों हाजरी लवा के आए ते इही भी जल्दी चलना सो मैं समां ज़्यादा लै गया। मैं आप जी के चरणों से यही अरदास करदा हां कि जे असीं सारे रल के पंथक एकता कर लईए पंच प्रधानी जो गुरु साहब ने सानू बख्शिश की है वह लागू कर दीए ते जिहड़े बंदे नहीं मनदे उन्हां तक जो प्रोग्राम बनाया भी असीं गल च पल्लू पा के जोड़े ला के उन्हां दे कोल जावांगे ते उह दिन दूर नहीं जदों पंथ की चढ़दी कला वास्ते ये बंदी सिंह जिहड़े पूर्ण तौर ते रिहाइयां इन्हां दीआं वी ते कौम दी चढ़दी कला दा वी जो पंजाब दे विच जिहड़ी अज हालत हो रही है और जो साडियां किसानी मंगां ने उन्हां नूं भी पूरियां करन वास्ते पहलां भी कराईआं सारे मसले हल होणगे जेकर असीं सारे इकट्ठे होईए। इन्नियां बेनतियां करदा प्रबंधक साहिबानां दा धन्नवाद करदा मैं कहना चाहुंदा क्योंकि मैं गड्डी आप चला के अमृतसर पहुंचना जरूरी है जिस करके मैं आप जी तो माफी चाहना। मैं सो मन दे विच बहुत वलवले बहुत दुख ने तुसी समां दित्ता तुहाडा धन्नवाद ते यही चाहुंदे आ कि पंथ की चढ़दी कला होवे वह तां हो सकदी आ जे असीं इकट्ठे होईए। बेनतियां करदा आ खिमा दा जाच कहां बुलाओ फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।